बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों ट्विटर पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। ट्विटर स्टार्स के बीच दो दो हाथ करने का अखाड़ा बनता जा रहा है। कुछ दिनों पहले किसान मुद्दे पर कंगना रनौत और दलजीत दोसांझ भिड़े थे। अब बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ट्विटर पर तूतू मैमे करते पाए गए। एक्टर अनिल कपूर ने ट्विटर पर दिल्ली क्राइम की टीम को बधाई देते हुए लिखा था कि मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे दोबारा कहता हूं क्योंकि हर लोग इसे डिजर्व करते हैं। बधाई हो दिल्ली क्राइम टीम। अच्छा लगता है जब हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलती है। अनिल कपूर के इस ट्वीट को करते ही अनुराग ने उन्हें आड़े हाथों लिया और ट्वीट किया, जिसमें अनुराग ने लिखा, अच्छा लगता है जब लोग डिजर्विंग लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलती है। वैसे आपका ऑस्कर किधर है? नहीं मिला? अच्छा, और नॉमिनेशन? अनुराग के ट्वीट पर अनिल ने जवाब देते हुए लिखा कि तुमने शायद कभी करीब से ऑस्कर देखा भी नहीं होगा। जब फिल्म स्लमडॉग को टीवी पर ऑस्कर दिया गया होगा तब तुमने देखा होगा। हैशटैग तुमसे ना हो पाएगा। अनिल कपूर के इस जवाब पर अनुराग कश्यप आग बबूला हो गए और उन्होंने अनिल की फिल्म स्लमडॉग के लिए उन्हें सेकेंड चॉइस बताया। अनुराग ने कहा कि यह फिल्म पहले शाहरुख खान को ऑफर होने वाली थी लेकिन उनके ना कहने पर अनिल कपूर को मिली। अनुराग कश्यप के ऐसा कहने पर अनिल भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अनुराग को जवाब देते हुए लिखा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, काम काम होता है। तुम्हारे जैसे काम ढूंढते वक्त बाल तो नहीं नोचने पड़ते। अनिल के ऐसा कहने पर अनुराग ने एक बार फिर से उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा, सर आप तो बालों के बारे में बात ही न करें, आपको तो अपने बाल के दम पर ही रोल्स मिलते हैं। इतना सब होने के बाद यह नोकझोंक तूतू मैमे में बदल गई, जिसमें अनिल कपूर ने ट्विटर पर ही अनुराग को सुनाते हुए लिखा कि बेटा मेरे जैसे करियर के लिए सीरियस स्किल्स चाहिए, ऐसे ही नहीं चल रही हमारी गाड़ी 40 साल से। अनिल के ट्वीट पर भी अनुराग शांत नहीं हुए, उन्होंने पलटवार इसका जवाब देते हुए किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सर हर 40 साल पुरानी गाड़ी को विंटेज गाड़ी नहीं कहते, कुछ को खटारा भी कहते हैं। अनुराग के ऐसा कहते ही मानो अनिल कपूर का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने लिखा, मेरी गाड़ी तो 40 साल से चली तो चली, तेरी तो अभी तक गैराज से निकली ही नहीं। अनिल के ट्वीट के बाद अनुराग ने फिर से उन्हें जवाब दिया और कहा कि अगर गाड़ी रेस 3 की हो तो अच्छा है वह गैराज में ही रहे। आखिर में अनुराग ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ठीक है सर, गुड बाय, रोइए मत। इसके जवाब में अनिल कपूर ने लिखा, मेरे रोने का एकमात्र कारण यह है कि मैं इस फिल्म को आपके साथ करने के लिए सहमत हूं, लेकिन चिंता मत करो, ये मेरी आखिरी हंसी है। बता दें कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जल्द ही फिल्म AK वर्सेस AK में नजर आएंगे। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।